हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की यह वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। ब्लैंक डेटाबेस लेना है तो ये ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक किया और यहां क्रिएट पर कर देता हूं क्लिक। ठीक है, आप डेटाबेस को कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने बाय डिफॉल्ट जो नेम है वही यहां पर रख लिया है। अब ये ओपन हो गया, ये सिनेरियो कुछ आपको ऐसा ही दिखाई पड़ता है एक्सेस में। अगर आपको काम करना है तो आपको जाना होगा डिजाइन व्यू पर, अगर आपको डिजाइन करना है अपने हिसाब से तो आप जाइए डिजाइन व्यू पर। ये आ गया डिजाइन व्यू पर, यहां पर कस्टमर के नाम से मैं कर लेता हूं, इसको नाम दे देता हूं कस्टमर टी। ठीक है, पहला जो टेबल हम बना रहे हैं वो कस्टमर का टेबल होगा, तो ये कस्टमर टी हमने कर लिया। अब यहां पर आएगी कस्टमर की आईडी, ठीक है, कस्टमर की आईडी, फिर यहां पर आएगा कस्टमर का नेम, तो यहां कर देता हूं कस्टमर नेम या नेम ऑफ कस्टमर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट रखा है मैंने, शॉर्ट टेक्स्ट रखने के बाद यहां पर कस्टमर का जो सिटी है उसका नाम हम यहाँ पे दे देने वाले हैं, तो ये सिटी दे दिया हमने। अगर आप चाहते हैं ड्रॉपडाउन बनाना तो यहाँ पे ड्रॉपडाउन भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ड्रॉपडाउन नहीं बना रहे, हम कस्टमर नेम और सिटी हमने लिख रखा है, बस हम इतना ही रहने देते हैं और यहाँ से व्यू पे कर देते हैं क्लिक, बस इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कस्टमर नेम ऊपर आ गया है, यहाँ पर आईडी आ रही है, आईडी को हमने प्राइमरी की रखा है। यहाँ पर कस्टमर का नाम, जैसे मान लीजिए कस्टमर का नाम है राम कुमार, तो ये दे दिया हमने राम कुमार, ये कस्टमर का नाम हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ से सही कर लेते हैं, राम कुमार ये कस्टमर का नाम हो गया। यहाँ पर इनकी सिटी है देवरिया, हम देवरिया से बिलोंग करते हैं तो हम यहाँ पे देवरिया ही लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे कर लेता हूँ सूरज। ठीक है, दूसरे कस्टमर का नाम है सूरज और यहाँ पर इनकी भी सिटी है देवरिया। ठीक है, अगर कोई और सिटी है तो आप उसका भी नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे दो कस्टमर फॉर एग्जांपल ले लिया, इसको सेव कर लेता हूँ और इसको क्लोज भी कर देता हूँ। अब हमें दूसरा टेबल डिजाइन करना है तो यहाँ से जाकर के टेबल पे क्लिक कर देते हैं और टेबल पे क्लिक करके व्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम प्रोडक्ट का एक और टेबल डिजाइन करेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट टी। ठीक है, तो एक हो गया कस्टमर टी, दूसरा हो गया प्रोडक्ट टी। ठीक है, लेकिन दोनों में एक कॉमन फील्ड भी होनी चाहिए, तो अभी फिलहाल हम प्रोडक्ट टी बना रहे हैं, तो ये हो गया। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं ये प्राइमरी की है, तो यहां पर भी आईडी दी गई है। ओके, तो ये आईडी तो सेम होगी। ठीक है, ये जो है कस्टमर की आईडी होगी और ये आईडी सेम होगी, तो यहां पर देख सकते हैं जो कस्टमर टी वाला टेबल है यहां पर हमने सिर्फ आईडी दे रखा है, तो हम इसको क्यों ना कस्टमर आईडी कर दें, तो यहां पर लिख देता हूं मैं कस्टमर आईडी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, यहां पर कर देता हूं कस्टमर आईडी, इस तरीके से हमको दे देना है। ठीक है, आप परचेजिंग डेट वगैरह भी डाल सकते हैं इसमें, तो ये कर दिया कस्टमर आईडी, ओके कर दिया और यहां से यस कर देते हैं। तो ये चीज तो वही रही लेकिन इसका नाम हमने केवल फील्ड का नाम चेंज कर दिया है। यहां पर प्रोडक्ट ही नाम से बनाया हमने, तो यहां पर इसको आईडी रख देते हैं और इसको ऑटो नंबर रखते हैं और यहां पर मैं कर देता हूं कस्टमर आईडी। तो एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए जबकि हम रिलेशनशिप क्रिएट करा रहे हो तो। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने कस्टमर और फिर लिख दिया आईडी, तो ये आ जाएगा कस्टमर आईडी और इसे हम नंबर डेटा टाइप रख लेते हैं, ऑटो नंबर एक ही बार यूज करेंगे हम। तो ये ऊपर ऑटो नंबर हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं जिसे हमने प्राइमरी की रखा है। ठीक है, अब यहां पर कस्टमर आईडी देने के बाद यहां पे नेम ऑफ प्रोडक्ट कर देते हैं, नेम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। अब नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर प्रोडक्ट का नाम देना है। ठीक है, यहां पर प्रोडक्ट की प्राइस आएगी तो ये प्राइस कर देते हैं और यहां पर हमें क्या करना है, सिंपली करेंसी सिंबल दे देना है। तो यहां पे करेंसी सिंबल आए, इसके लिए करेंसी डेटा टाइप चूज कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल मैंने अभी इंडियन करेंसी का फॉर्मेट नहीं रखा है, मैंने यूएस करेंसी यानी डॉलर का फॉर्मेट यहां पे आपको आएगा। तो ये प्राइस कर दिया हमने, प्राइस के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पे यूनिट करेंगे, यूनिट कितना बिका, एक बिका, दो बिका, चार बिका, कितना बिका, तो वो यहां पे आएगा। तो यहां पे हम कर लेते हैं नंबर। ठीक है, और अगर आप डेसिमल में भी लेना चाहते हैं तो यहां से लॉन्ग इंटीजर को चेंज कर दीजिए डबल में, तो यहां से इसको कर देता हूं मैं डबल और डबल करने के बाद यहां पर आते हैं, यहां पे टोटल कर सकते हैं हम, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2016 वर्जन। तो खासियत यह है कि आप टेबल बनाते समय ही यहीं पर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2007 यूज कर रहे होंगे या और कोई वर्जन यूज कर रहे होंगे, लेटेस्ट वर्जन जो कि ना हो, तो उसमें आपको यहां पर कैलकुलेटेड डेटा टाइप नहीं मिलेगा जहां पर कि जाकर के आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सके। जैसे कि देखिए यहां पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां पर मैंने टोटल लिखा और टोटल लिखने के बाद यहां पर आता हूं और यहां पर देखिए आपको मिल जाता है कैलकुलेटेड डेटा टाइप। तो ऐसा अगर आपको डेटा टाइप नहीं मिलता है तो आपको क्रिएट पे जाकर के क्वेरी बनानी होगी। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास अभी कैलकुलेटेड डेटा टाइप है तो हम कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज करते हैं। ये विंडो ओपन हो जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं और यहां पर प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट से। तो यहां पर प्राइस लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया, इंटू लगाया हमने और फिर मल्टीप्लाई बाय यूनिट कर दिया हमने और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। बस यहां से ओके कर दीजिए, काम हो गया है। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कस्टमर की आईडी आएगी,
देख सकते हैं ये कस्टमर आईडी वही आईडी है जो हमने पहले यानी कस्टमर वाले टेबल में दी है। तो यहाँ पे वन कर देता हूँ और यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट जो भी आपने लिया है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लाइक यहाँ पे कर देता हूँ शुगर, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट लेता हूँ जिसको हम डेसिमल में भी एंटर कर सकें। अब शुगर मान लीजिए 40 रुपये किलो है, देखिए डॉलर का साइन भी आ रहा है, तो अभी चाहे तो इसको रुपीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा मैं। यहाँ पे 7 कर देता हूँ, लेकिन चूंकि हमें डेसिमल में एंटर करना है तो 7.5 किलो, ठीक है, ये 7.5 हो गया। और उसके मुताबिक यहाँ पे देख सकते हैं टोटल भी आ गया है, यानी कि ये वर्क कर रहा है। अगर मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट लेता हूँ, लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर देता हूँ 2 और यहाँ पे कर देता हूँ राइस, RICE राइस, ये लिख दिया हमने राइस। और राइस लिखने के बाद जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो राइस की कीमत मान लीजिए 35 रुपये किलो है और यहाँ पर कर देता हूँ 50, सकते हैं आप, और उसके मुताबिक यहाँ पे कॉस्ट आ गई है पॉइंट में। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, हमारा टेबल बन गया है, ठीक है। और टेबल बनाते समय ही हमने क्वेरी लगा ली है, ठीक है, यानी कैलकुलेट कर लिया। कहने का मतलब कैलकुलेट कर लिया, क्वेरी नहीं बनाई, कैलकुलेट कर लिया, ओके। अब इन दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप क्रिएट कराना है, तो रिलेशनशिप क्रिएट कराने के लिए जरूरी है कि दोनों टेबल्स को ऑफ कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। तो यहां से सेव करके इसको क्लोज कर देते हैं, फिर क्रिएट पे जाते हैं। यहां पर डेटाबेस टूल्स पे आएंगे तो आपको यहां पर रिलेशनशिप वाली वाला ऑप्शन दिख जाएगा। यहां पर आप कस्टमर टी ले लीजिए, ये हमारी पहली टेबल थी, दूसरी टेबल है प्रोडक्ट टी। दोनों में एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए, जरा देख के बताइए कौन सी फील्ड कॉमन है। जी हाँ बिल्कुल, कस्टमर आईडी कॉमन है। तो आप इस कस्टमर आईडी को उठाइए और यहां पर ला करके रख दीजिए, ठीक है, कस्टमर आईडी के ठीक सामने। तो ये रख दिया हमने और यहां पे इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पे टिक कर दीजिए, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स पे टिक कर दीजिए, कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स पे टिक कर दीजिए। 1-to-many रिलेशनशिप ये बिल्ट हो रहा है और ये बिल्ट हो भी गया। अब इसको सेव कर लेते हैं और सेव करके इसको क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज कर दिया हमने, यहां पर ये हमने लिया है, देख सकते हैं ये, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये देखिए यहां पर जो रिलेशनशिप हमने क्रिएट कराया उसका फायदा क्या हुआ, यहां पर रिलेशनशिप तो हमने क्रिएट करा दिया लेकिन यहां पे देखेंगे तो प्लस का साइन आ रहा है। तो प्लस का साइन आएगा तो इसका मतलब है कि इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरी डिटेल दिखाई दे जाएगी। अब इसमें आप क्या करिए, सिंपली यहां पर चलिए, तरीके का यहां पर दिया गया है, आप फॉर्म बना सकते हैं, ब्लैंक फॉर्म ले सकते हैं। तो चलिए हम फॉर्म विजिट से चलते हैं। तो ये फॉर्म विजिट पे क्लिक किया हमने, जैसे ही फॉर्म विजिट पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी, ठीक है, इसको यहाँ पे ओपन कर देते हैं हम। तो ये नई विंडो ओपन होगी, यहाँ पर पहली टेबल हमारी कस्टमर की थी, तो ये कस्टमर में कस्टमर आईडी चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए और सिटी चाहिए। दूसरी टेबल से क्या चाहिए हमें वो देख लीजिए, लाइक हमें चाहिए नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्राइस चाहिए, यूनिट चाहिए और टोटल चाहिए, बस इतनी ही चीज़ें चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, मेन टेबल हमारी कस्टमर वाली है, ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। डेटा आपको किस फॉर्म में चाहिए, डेटा शीट व्यू में चाहिए, टेबुलर फॉर्म में चाहिए, कैसा चाहिए वो देख लीजिए, फिलहाल डेटा शीट रखता हूँ, ठीक है। मॉडिफाइड डिजाइन पर क्लिक करके यहाँ से फिनिश पे कर देता हूँ क्लिक। तो जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से आया हुआ है। यहाँ पर चाहे तो हम एक कॉम्बो बॉक्स बना सकते हैं। कॉम्बो बॉक्स कैसे बनेगा, कॉम्बो बॉक्स बनाना बहुत आसान है, यहाँ पर जाएंगे इसको हटा देंगे, ठीक है, आप चाहे तो हेडिंग रख भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां पर जाने के बाद क्या करेंगे, यहां पर आप देखेंगे तो ये कॉम्बो बॉक्स दिया हुआ है, तो इस कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए और यहां पे ड्रैग करवा दीजिए इसको इस तरीके से। तो ये जब ड्रैग होगा तो ये इस तरीके से ओपन होगा और आपको तीन ऑप्शन इसमें दिखाई देंगे, 1, 2, 3। तो यहां पर कौन से ऑप्शन वाले पे आपको टिक करना है, देखिए ये दिया हुआ है, आई वॉन्ट द कॉम्बो टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरी। तो हमने तो क्वेरी बनाया ही नहीं, टेबल ही बनाया है, तो टेबल के ही बेस पे हमें देखना है, ठीक है। तो यहां पर हम पहले ही ऑप्शन पर टिक रहने देते हैं और हम कस्टमर टेबल के भरोसे या फिर प्रोडक्ट ही, क्या आपको चाहिए, प्रोडक्ट के बेस पे करना है, कस्टमर के बेस पे करना है, तो फिलहाल हम चाहते हैं कस्टमर के बेस पे करना, तो कस्टमर के बेस पे करना चाहते हैं। तो यहां पर आप यहां पे कस्टमर नेम के बेस पे सर्च करेंगे, किसके बेस पे सर्च करेंगे वो देख लीजिए। तो यहां पर आप सिटी के भी बेस पे जा सकते हैं, तो अगर सिटी करते हैं यहां पे, ये देखिए सिटी कर दिया हमने और नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है, ये सिटी वन आ रहा है, वन हटा देता हूं मैं और यहां से फिनिश पे कर देता हूं क्लिक। तो जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यहां से आप प्रॉपर्टी शीट पे जा सकते हैं और प्रॉपर्टी शीट पे जाकर के यहां पर आप सबसे पहले तो फॉर्म चूज कर लीजिए, ये हमारा फॉर्म ही है और कुछ तो है नहीं, ये हमने फॉर्म ही तो बनाया है। तो यहाँ पे फॉर्म चूज कीजिए, जैसे ही फॉर्म चूज करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, पॉपअप को यस कर दीजिएगा, बस आपके पास एक सॉफ्टवेयर जैसा लुक आने लगेगा
पॉपअप को यस करने से। इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद क्या करना है, इसका यहाँ पे जो बैकग्राउंड है ये कलर हम चेंज करेंगे। तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर पे चले जाते हैं और यहाँ पे जो भी कलर आप चाहते हो, जो आपको ठीक लगता हो, जो आपको प्रॉपर लगता हो, वो कलर आप चूज कर सकते हैं। लाइक ये कलर कर देते हैं हम, ठीक है। बाकी नीचे का हिस्सा जो भी कलर चाहते हो वो कलर में आप चेंज कर सकते हैं इसका बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ से जाकर के ये कलर चूज कर देते हैं, ठीक है। बाकी पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से और यहाँ पर जो कलर है टेक्स्ट का उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं, ये ब्लैक कर दिया। कंट्रोल बी कर देते हैं बोल्ड करने के लिए, ये बोल्ड कर दिया हमने, ठीक है। बाकी सारी चीजें एकदम क्लियर है। यहाँ से इसको सेव कर लीजिए, अब काम हो गया है। अब जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर बनकर के तैयार है, सिटी वाइज डिटेल तैयार है, ठीक है। जैसे देवरिया ही सिटी है तो देवरिया के कस्टमर्स की लिस्ट आपको नजर आएगी यहाँ पर, ये आपका बन जाएगा और इस तरीके से आप रिलेशनशिप क्रिएट करा पाएंगे, ओके। इसके लिए आगे और भी मैं बनाऊंगा, फिलहाल ये वीडियो काफी लंबी होती जा रही है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये कस्टमर टी नाम से है, ये यही हमारा सॉफ्टवेयर है और यहाँ पर आप अगर देवरिया चूज करते हैं तो देवरिया के कस्टमर्स की लिस्ट आएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो दूसरे कस्टमर का नाम आ जाएगा जो कि देवरिया से बिलोंग करते हैं। क्या होगा कि अगर हम इसमें कोई और भी नाम ऐड कर दें, लाइक यहाँ पे कस्टमर टी पे आते हैं, ये कस्टमर टी वाली टेबल हमारी है और ये प्रोडक्ट टी वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर टी वाले टेबल पे आ जाते हैं और इसको जो हमने अभी एक्सपेंड किया है इसको हम थोड़ा सा यहाँ से सही कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं, जो एक्सपेंड फॉर्म था उसको हटा देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं सुरेश, एक और नाम लिखते हैं सुरेश और इनका जो सिटी है वो लिख देते हैं लखनऊ। ये लिख दिया हमने लखनऊ। अब ये लखनऊ तो हमने लिख दिया, लेकिन अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है। ये लखनऊ लिख दिया, ओके। और यहाँ पर अब प्रोडक्ट वाले टेबल पे भी आना है, तो चूंकि प्रोडक्ट वाले टेबल में हम अगर कुछ नहीं देते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन्होंने क्या परचेस किया। तो अगर ये कुछ परचेस करेंगे तो वो प्रोडक्ट वाले टेबल में जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ लैपटॉप, तो लैपटॉप परचेस किया, लैपटॉप की कीमत कितनी रही, लैपटॉप की कीमत रही 25,000 रुपये, तो यहाँ पे 25,000 कर देते हैं। और जैसे ही 25,000 करेंगे तो यहाँ दो लैपटॉप, तो उसके अनुसार यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं, सेव करके और इन दोनों को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों टेबल्स का तो काम हो गया है हमारा, टेबल्स में तो कुछ काम करना नहीं है अब, तो इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे आते हैं कस्टमर टी पर। जैसे ही कस्टमर टी पे आएंगे तो अब यहाँ तीन चीजें आपको दिखाई देंगी, एक तो देवरिया फिर लखनऊ। तो यहाँ पे लखनऊ यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे ही हम लखनऊ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कस्टमर्स की डिटेल नहीं आ रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? इसके लिए दिक्कत यह है कि जब आपने सिटीज के नाम लिखे तो उसे प्राइमरी की नहीं बनाया। अगर आपने उसे प्राइमरी की बना दिया होता, इस तरह की दिक्कत बहुत सारे यूजर्स को आ रही है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज करते हैं,